अच्छा देखो, अभी तक हमने पढ़ा क्या है? मैट्रिसेस का पोर्शन हमने स्टार्ट किया है, और एक्सरसाइज जो हमने पढ़नी है वो है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के टॉपिक्स क्या है आप लोग सबने पढ़नी है। टॉपिक मेनली एक ही है, टाइप्स ऑफ अ मैट्रिसेस का। बाकी तो बस हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन था मैट्रिसेस का। तो अब डिफरेंट टाइप्स हैं, उनसे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, या इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड कुछ आपसे सवाल आ जाएंगे। तो जरा देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें से कितने क्वेश्चन हैं जो आप लोग खुद ही करोगे, क्योंकि बहुत बेसिक से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको बताना है कि हर पार्ट में कौन सी मैट्रिक्स है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसके नाम बताओगे। जैसे अच्छा, पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास कोई एक यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे 1-1 होते हैं। तो बिल्फर्ज, अगर आपके पास एक ऐसा एमसीक्यू आए कि जिसमें आपके पास एक यूनिट मैट्रिक्स या जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है, अगर वो आ जाए तो ऑप्शन आपके पास 4 होंगे। 4 ऑप्शन में क्या लिखा हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो चारों ऑप्शन ही ठीक है। जो यूनिट मैट्रिक्स है वो स्क्वायर भी होती है, वो डायगोनल भी होती है, वो स्केलर भी होती है, वो यूनिट भी कहलाती है। लेकिन आपको चूज करना होगा जो बेस्ट आंसर है। अब आपको जनरलाइज बात नहीं करनी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, भाई वो तो कितनी ज्यादा हो सकती है। इसी तरह आपको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलना, डायगोनल मैट्रिक्स तो कितनी हो सकती है। आपको स्पेसिफिक जवाब देना होगा, यार ये जो मैट्रिक्स है ना यूनिट मैट्रिक्स है। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना। अच्छा, पार्ट 1 पे अगर आप आओ तो क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं। पार्ट 1 में पहली बात, बुक सामने ओपन हो सबके, पार्ट 1 में कौन सी मैट्रिक्स होगी, किसी को नाम पता है? डायगनल डायगनल एक्सलेंट भाई, डायगनल है, कोई स्पेसिफिक इसके अंदर कंडीशन नहीं है, तो आप जस्ट डायगनल ही बोलो। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 वाली बताओ बच्चों। बोला यार कॉलम तुम भी मैट्रिक्स। बोलना, कॉलम मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 रॉ मैट्रिक्स, सही। कोई मुश्किल नहीं है अभी तक। पार्ट नंबर 4 कौन सी है, जरा ये बताओ। स्क्वायर देखो तो स्क्वायर तो है, लेकिन ये स्क्यू हर्मिशियन है। मैंने बोला जो अगर स्पेसिफिक किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी। स्क्वायर तो है ये, लेकिन मैं इसको स्क्यू हर्मिशियन क्यों कह रहा हूँ, मैंने कल आप लोगों को बनाने का तरीका बताया था ना, कि यहाँ पे आप 0 0 लगाओगे, जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होगा ना उसके रियल पार्ट का साइन यहाँ पे चेंज करोगे। अब इसके कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट क्या है, 0 है, तो ये क्या होता है, -0 प्लस आयोटा रहेंगे दोनों आयोटा आयोटा। ठीक है, क्या मैंने बताया था कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल का साइन चेंज कर दो यहाँ पे। अब इसका रियल ही 0 है, तो जब चेंज करोगे आपको फर्क पता नहीं चलेगा। तो और ये जो मैट्रिक्स है ना, अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये क्या कहलाई जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन। और आप कंडीशन भी चेक कर सकते हो पेपर में, अगर बिल्कुल एमसीक्यूज में आ जाए ये कंडीशन थी ना। तो सबसे पहले तो काम करते हैं, हम इसका -a मालूम करते हैं। कंसिडर कर लो, अगर ये a है तो -a क्या होगा, 0 माइनस आयोटा और 0। अब जरा मालूम करते हैं ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। अच्छा, ए कॉन्जुगेट क्या होगा, 0 0 तो सेम, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा। फिर आप क्या करो, इसका ट्रांसपोज ले लो। जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो 0 माइनस आयोटा कॉलम बन गया, माइनस आयोटा 0 अगेन कॉलम बन गया। तो इसको और इसको देखो, ये आपस में इक्वल है, मतलब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर है -a के। तो आप ये कह सकते हो कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इसकी हर्मिशियन है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आता तो अब ये हर्मिशियन होती, क्योंकि हर्मिशियन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट इधर होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो पार्ट 4 में आ जाएगा स्क्यू हर्मिशियन। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है पार्ट 5 में, अगर आप देखो पार्ट 5 में बच्चों कौन सी है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स है भाई, बिल्कुल सही बताया। अच्छा जी, पार्ट नंबर 6 में कौन सी मैट्रिक्स है भाई, लड़कों की आवाजें कहाँ पे हैं, उजैर बोल क्यों नहीं रहे तुम। सही डायगोनल सर। है भाई, बिल्कुल सही बताया, डायगनल है, क्योंकि कोई खास स्केलर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करी, यूनिट तो है नहीं, तो आप क्या बोलोगे, डायगनल है भाई।
अच्छा जी, पार्ट नंबर 7 में अगर आप देखो तो क्या है? स्केलर। एक्सीलेंट भाई, स्केलर सही तैयारी की हुई आप लोगों ने। पार्ट 8 में स्क्यू मैट्रिक्स, नहीं स्क्यू हर्मिशियन, कैसे? स्क्यू सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकती, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो रियल के अंदर होती है। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है, देखने में लग रहा है कॉम्प्लेक्स वाला सिस्टम है। तो अब या हर्मिशियन होगी या स्क्यू हर्मिशियन होगी, तो कैसे पता चला? जो जिस स्टूडेंट ने जवाब दिया स्क्यू हर्मिशियन है, क्या कंडीशन चेक किया आपने? सर वो नेगेटिव है ना, आयोटा है तो फिर आयोटा नेगेटिव है इसलिए। गलत बात है, मैंने बोला था कि हर्मिशियन की कंडीशन होती है कि जो जो आप जो बता रही हो ना वो स्क्यू हर्मिशियन की कंडीशन, मतलब तो बोलना चाह रही हो आप हर्मिशियन की कंडीशन, बोल आप स्क्यू हर्मिशियन नहीं हो। और से समझ लो, हर्मिशियन में आप क्या करते हो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है उसका आप कॉन्जुगेट लेते हो। सबसे पहले मुझे बताओ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए, ये कॉन्जुगेट लिखे हैं, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होता है, इसी तरह टू आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस टू आयोटा होता है। नेगेटिव को इस तरह मत समझना कि देखो एक तो होता है आयोटा, हर्मिशियन में क्या होगा कि इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस आयोटा, जबकि अगर इसी को मैंने बनाना है स्क्यू हर्मिशियन, तो स्क्यू हर्मिशियन में क्या होता था कि बिल्कुल अगर यहाँ पे आयोटा लिखा हुआ है ना, तो स्क्यू हर्मिशियन में आप कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट में चेंजिंग करते थे। इसका रियल पार्ट क्या है यहाँ पे? इसका रियल पार्ट जीरो है, तो जब चेंजिंग करोगे रियल पार्ट के अंदर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता था स्क्यू के अंदर, और नॉर्मल जो हर्मिशियन थी उसके अंदर ये होता था कि आप क्या करते थे, जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स था उसको कॉन्जुगेट लेते थे। तो फर्क है, हर्मिशियन में आप कॉन्जुगेट लेते हो, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा माना जाता है। वैसे कॉन्जुगेट दो टर्म का होता है, लेकिन अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखो तो ये इसका कॉन्जुगेट है। और स्क्यू के अंदर आप कॉन्जुगेट नहीं लेते, स्क्यू के अंदर आप रियल का साइन चेंज करते हो, अभी मैंने बताया। तो अब जरा मुझे बताओ इसका आंसर क्या है? हर्मिशियन। अब हर्मिशियन है, ठीक है। फिर क्या है पार्ट नंबर 9? हाँ पार्ट नंबर 9 को जरा देख के बताओ। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आमतौर पर बच्चों ने ना, मैंने एकदम से सवाल जरा देखा है ना, तो बच्चों ने ये भी कंडीशन शायद किसी स्टूडेंट ने अगर जवाब दिया तो इस कंडीशन को देख लीजिए कि उन्होंने देखा कि डायगनल में जीरो है, तो उन्होंने बोला स्क्यू हर्मिशियन। भाई हर्मिशियन के अंदर भी जीरो आ सकता है, मैंने बताया था हर्मिशियन के अंदर आप डायगनल में कुछ भी ले लो, कोई भी रियल हो सकता है, वो 1 2 3 भी हो सकता है, वो 0 1 2 3 ये भी हो सकता है, कुछ भी आ जाएगा उसके अंदर। तो हर्मिशियन के अंदर भी 0 0 आ सकते हैं, किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन स्क्यू हर्मिशियन में जरूरी होता है 0 0 0 आना, इसमें मर्जी है, 0 0 भी आ सकता है, 1 2 3 भी आ सकता है। तो अगर आपने कंडीशन चेक करनी है ना, तो आपने पहले इन चीजों को देखना है, ये जब देखोगे उसके बाद आप डिसाइड करोगे, डायगनल को देखोगे, दोनों चीजों को कंबाइन करके फिर आप जवाब दोगे, किसी एक निशानी को नहीं रख लेने का। अगर 0 0 है तो उसका मतलब स्क्यू हो जाएगा, तो ध्यान देना इसके ऊपर। पार्ट नंबर 9 में देखो डेफिनेटली वो हर्मिशियन होगी, क्यों? स्क्यू तो हो नहीं सकती सबसे पहली बात, तो हर्मिशियन हो सकती है, कंडीशन चेक कर लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि या तो हर्मिशियन होगी या स्क्यू होगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है, कुछ ऐसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होंगी लेकिन वो हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन नहीं होंगी, रैंडम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो जरा चेक कर लो कंडीशन, सबसे पहली बात स्क्यू हर्मिशियन क्यों नहीं होगी, क्योंकि डायगनल एलिमेंट जो है वो 0 0 नहीं है, तो स्क्यू वाली पॉसिबिलिटी तो आप हटा दो। हर्मिशियन की चेक कर लो, वो मैंने आपको बताया, देखो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा होता है, 5 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस 5 आयोटा, और 7 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस 7 आयोटा, तो यहाँ तक ऑब्जर्व करोगे आपको आंसर मिलेगा हर्मिशियन। अच्छा बुक में किसी एक का आंसर गलत है, क्योंकि मैं वो ग्रुप में ऐड था टीचर्स के, तो वो डिस्कस कर रहे थे आपस में, पता नहीं या तो पार्ट 8 या पार्ट 9 में किसमें स्क्यू लिखा हुआ मैंने, पार्ट 8 है सर। हाँ तो पार्ट 8 में जरा ठीक कर लेना, सही है। अगर पार्ट नंबर 8 को आपने स्क्यू बनाना है ना, तो फिर ये कर लेना कि यहाँ पे चीज हटा देना, जो पार्ट नंबर 8 में आयोटा और इधर भी आयोटा लिख देना, फिर 2 आयोटा इधर भी 2 आयोटा, 4 आयोटा इधर भी 4 आयोटा, मतलब साइन सेम कर देना इसके, तब पार्ट नंबर 8 जो है वो स्क्यू बन जाएगा, लेकिन अभी जो पार्ट 8 है वो हर्मिशियन ही है, सही। फिर होगी बात यहाँ तक, किसी अगर सवाल है तो पूछ लो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, अ न्यूज़पेपर एजेंट ऑफ अ टाउन रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पेपर सोल्ड ऑन ईच ऑफ डे ऑफ द वन वीक। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अच्छा जी, फिर सही है, मंडे को। अच्छा, हर दिन में उसका डॉन और जंग कितना बिका है, ये मेथड में हुआ ना, कितना सोल्ड किया। सही है, हाँ सही, ईच डे ऑफ वन वीक, सही है। राइट दिस इंफॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड राइट इट्स ऑर्डर। भाई देखो, मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका कोई बड़ी बात नहीं है। इधर उन्होंने लिखा हुआ है ना, टेबल बनाया है, उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। लाइक इन द सेंस कि आप इसको लिखो 80, 100, इसी तरीके से 90, 110, 100, 90, 95, 95, इसी तरह 85, 105, इसी तरह 75, 85 और 70, 80। ये जो आपने लिखा है ना, ये आपने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। अगर मैट्रिक्स का मतलब होना चाहिए कि रॉज एंड कॉलम्स किस चीज को शो करता है, मैंने तभी बताया था मैट्रिक्स की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। अभी तो आप लोग आगे पढ़ोगे, आगे इक्वेशंस को भी सॉल्व कर रही होगी मैट्रिसेस, और आगे जाके और भी एप्लीकेशन है, तो वहां पे मैट्रिसेस की रॉज एंड कॉलम्स का मतलब होता है कि रॉज में क्या चीज आपने रखी हुई है, कॉलम में क्या रखा हुआ आपने। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, जो पहली रॉ है ना, ये आपको बता रही है किसके, डॉन अखबार का बता रही है आपको। डॉन अखबार की क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी आपको डॉन अखबार की इन्फॉर्मेशन दे रही है। और जो रॉ टू जो है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है जंग अखबार की। अब कॉलम की बात करते हैं, तो जो कॉल पहला कॉलम है ना, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है मंडे की। अब क्या मंडे की इन्फॉर्मेशन दे रहा है बाद में डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो कॉलम जो है वो आपको डेज की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और रॉज आपको अखबार की इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो अब इस इंफॉर्मेशन इन दोनों चीजों को अगर आप कंबाइन करो तो क्या मतलब बनेगा, कि मंडे को जो क्या कहते हैं डॉन अखबार है वो 80 बिके हैं, इसी तरह मंडे को जो जंग अखबार है वो 100 बिके, इसी तरह ट्यूजडे पे आ जाओ, ट्यूजडे को जो डॉन है वो 90 हुए हैं और जंग है वो 110 हुए हैं। तो इस पूरी चीज को आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर बोला था, क्या ऑर्डर है जल्दी बताओ। एक्सेलेंट भाई, 2/7 लिखने का तरीका होगा, 2 × 7 बोलते हैं, 2/7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन मैट्रिसेस के अंदर आपको अननोन की वैल्यूज निकालनी है। तो यार ये सवाल वैसे मेरे करवाने वाला है तो नहीं, इसमें आपको इक्वल मैट्रिसेस देनी है। तो इक्वल मैट्रिसेस के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बोला था, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होते हैं। तो जरा देखते हैं पार्ट नंबर 1 में, देखो पार्ट नंबर 1 में, अच्छा अननोन जो है ना पार्ट नंबर 1 में, वो ए बी सी डी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ना इक्वेट करवाना है। तो पार्ट 1 में ए जो है वो बराबर हो जाएगा 7 आयोटा के, ए की वैल्यू आ जाए। जो -4 आयोटा है वो बराबर हो जाएगा बी के, तो बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह 8 आयोटा सी के बराबर, 6 आयोटा डी के बराबर, तो मसला है चारों की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, बस इक्वेट करवाना है, कुछ भी नहीं। सेम काम पार्ट नंबर 2 में करना है, डी की वैल्यू 2 आ जाएगी, ई की वैल्यू -3, जी की वैल्यू 5, यही काम करना है आपने, और इसको सॉल्व कर लेना आसानी से। ए की वैल्यू -2 होगी, एफ की 9 होगी, इसको देख लेना। पार्ट नंबर 3 में आओ ना, तो शायद थोड़ी इक्वेशन टाइप की बन रही हो, देख लेते जरा पार्ट नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, एक्स प्लस वाई 0, z, इसी तरह 9, 2x + y, 6, इसी तरह a 1, 3। अच्छा जी, 3 9 y/2 0 4 1 3x 6 3। अब जरा हम देखते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इक्वेशन टाइप के बनेंगे, डायरेक्ट किसी की वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, 3 अननोन है x y z, डायरेक्ट y की वैल्यू आ रही है। अगर आप इसको कंपेयर करवाओ ना तो y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं बाय कंपेयरिंग कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कोरिस्पॉन्डिंग मतलब जो सेम पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। सबसे पहले जो आपके पास, अच्छा यहाँ पे ए भी है, तो 4 अननोन है क्या, एक सेकेंड, हाँ एक्स वाई जेड और ए 4 अननोन है, ठीक है। तो अगर आप नहीं, वाई अपॉइंट 2 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ सकती, मैं वाई अपॉइंट 2 को गलती से 3 से कंपेयर करवा रहा था, नहीं। अगर आप ऑब्जर्व करो ना, जिन एलिमेंट्स में अननोन नहीं है वो देखो आपस में इक्वल है, जैसे
यहाँ पे 1 है 3, इसी तरह 1 और 3, इसी तरह यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6, 9 है 9, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। तो बाकी जो अननोन है ना उनकी आपको वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? कंपेयर करवा लो। जैसे जो एक्स प्लस वाई है ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से जो जेड है ये किसके बराबर हो जाएगा? 3x के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से जो 2x प्लस वाई है ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। इसी तरीके से जो a है ये बराबर हो जाएगा y अपॉन 2 के। अब बस आपका मकसद है इन चार अननोन की वैल्यू निकालना। देखो इस असूल को याद रख लो बच्चों कि अगर आपके पास चार इक्वेशन हैं और चार ही अननोन है, मतलब चार अननोन चार इक्वेशन, आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर चार अननोन हो और तीन इक्वेशन हो तो आप नहीं निकाल पाओगे, या चार अननोन हो लेकिन पांच इक्वेशन हो तो फिर मुश्किल हो, क्या कहते हैं, निकाल सकते हो, लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा डाटा है आपके लिए। जनरलाइज में ये रूल फॉलो हो रहा होता है, कोई स्पेसिफिक केस हो तो वो अलग बात है। तो जितने अननोन है अगर उतनी ही इक्वेशन है तो आप आसानी से अननोन की वैल्यू निकाल सकते हो। अब करने का तरीका क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, ये 3 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। सबसे पहले मुझे दिखने में लग रहा है 1 और 3 को मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 और 3 में दो वेरिएबल सेम ही है, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जस्ट आप क्या करो, सिंपल इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों इक्वेशन में वाई सेम ही है, सब्ट्रैक्ट करवाओगे कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्ट में आप साइन चेंज करते हो, ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस वन, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। वंस आपके पास एक्स आ जाए बाकी चीजें निकालना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले वाई निकाल लेते हैं और फिर एक्स और वाई से सब चीजें निकाल लेंगे। तो जब एक्स आ जाए आपकी मर्जी, या तो इक्वेशन, जिन दो इक्वेशन को आपने इस्तेमाल करके एक्स निकाला है ना, आप उसमें किसी में भी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, या तो 1 में एक्स की वैल्यू पुट कर दो या 3 में पुट कर दो और वहां से वाई की वैल्यू निकाल दो। तो कंसिडर कर लो मैं एक्स में पुट कर देता हूँ, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी 2। वंस आपके पास वाई आ जाए और एक्स आ गया तो अब तो मसला ही नहीं है, अब बाकी भी आ जाएंगे। कंसिडर करो, आप लोग नीचे नीचे ही करना है, पेपर में जगह नहीं है इसलिए मैं सामने कर रहा हूँ। कंसिडर कर लो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दो एक्स की वैल्यू, एक्स आया था 1 तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 में आप पुट कर दो वाई की वैल्यू, वाई 2 था, यहाँ वाई की जगह पे 2 पुट कर दो, यहां से आ जाएगी आपके पास ए की वैल्यू 1। तो ये चार वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, चार अननोन्स आपके पास आ गए हैं, सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, बाकी पार्ट में तो डायरेक्ट आंसर आ रहा था, वो तो आप लोग ट्राई कर लेना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मुझे नहीं लगता है यार सवाल मेरे करवाने का है, बहुत दफा मैंने आप लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक और इनमें ट्रांसपोज बहुत दफा लिया है। तो पार्ट 1 में जैसे एक ही रॉ है तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी पूरी। पार्ट नंबर 2 में दो रॉ है तो उनको दो कॉलम बना दो। पार्ट नंबर 3 में कॉलम है उसको रॉ मैट्रिक्स बना देना ट्रांसपोज देने के बाद। पार्ट नंबर 4 में तीन रॉ है तो तीन कॉलम बन जाएंगे, इस तरह आप लोग कर लेना, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म। ये जनरलाइज बात की गई है, जैसे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आपको बताया हुआ है 2,3, तो अब आपको एक मैट्रिक्स बनानी है 2,3 की। कैसे बनेगी? सिंपल, दो रॉ और तीन कॉलम ना, तो A11, A12, A13, फिर नीचे लिखना A21, A22, A23। ये जो मैट्रिक्स है ना ये जनरलाइज मैट्रिक्स बनाई है आपने 2x3 की, ठीक है। आपको पार्ट नंबर 2 में आपको 3x4 की बनानी है। कैसे बनाओगे? मतलब तीन रॉस और चार कॉलम, तो आप लिखोगे X11, X12, X13, X14, पहली रॉ कंप्लीट। फिर लिखोगे X21, X22, X33, X44, सॉरी गलती होगी, X21, X22, X23 और X24, ये लिख दोगे। फिर तीसरी रॉ में लिखोगे X31, 32, 33, 34, तो आपकी 3x4 की मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। और पार्ट नंबर 3 में आपके पास 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, तो आप लोग बेहतर समझते हो B11, B12, B13, B14 करते करते बाकी तीन रॉ भी आप लोग बना देते हैं। तो जनरलाइज आपको बस बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है, अच्छा ये सवाल जो है ना नॉर्मली एमसीक्यूज में आएंगे, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं तो अजीब सा है, क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 के शुरू के पार्ट आ सकते हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। देखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
आपको बतानी है कौन से मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, कौन से स्क्यू सिमेट्रिक है। ऑब्वियसली आपको चार नंबर के अंदर देंगे नहीं करने को, लेकिन अगर चार नंबर के अंदर देंगे बिलफर्ज, ऐसा होगा नहीं, लेकिन बिलफर्ज अगर देंगे तो आप पूरा प्रूफ करके दिखाना। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो तो उसी के बराबर आते हैं। तो जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसको आप ए कह देना, फिर आप उसका ट्रांसपोज लेना और आप दिखाना कि उसका ट्रांसपोज जो है उस मैट्रिक्स के बराबर है। तो अगर सवाल बिलफर्ज आ गया तो आपने थोड़े स्टेप्स दिखा के शो करके बताना है। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स है तो आप क्या करोगे, पहले लेट कर देना मैट्रिक्स को, नाम दे देना ए, फिर आप उसका ट्रांसपोज निकालना, फिर उस मैट्रिक्स का माइनस निकालना मतलब तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना, और फिर प्रूफ करना कि उसका ट्रांसपोज जो है वो उसके नेगेटिव के बराबर है। ठीक, लेकिन अगर एमसीक्यू में सवाल पूछा जा रहा है तो मैंने आपको निशानी बताई दी है। जैसे पार्ट नंबर वन में देखो तो डायगनल जीरो है, तो चांसेस क्या है स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और आप कंडीशन भी देख लो आपस में नेगेटिव का फर्क क्या है, माइनस फाइव फाइव, माइनस सिक्स सिक्स, सेवन माइनस सेवन, तो पार्ट नंबर वन तो सिंपल स्क्यू सिमेट्रिक है। पार्ट नंबर टू ऑब्वियसली स्क्यू नहीं हो सकता, अगर आप चेक करो तो वो सिमेट्रिक है, तो आप देखते साथ ही बता सकते हो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। पार्ट नंबर थ्री जो है अगेन वो स्क्यू सिमेट्रिक है, पार्ट नंबर फोर की बात करो वो सिमेट्रिक हो जाएगी, और पार्ट नंबर फाइव की बात करो तो अगेन वो स्क्यू सिमेट्रिक है। डायरेक्ट जीरो जीरो देख के नहीं बोलते ना स्क्यू, कंडीशन भी चेक कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये ऑल्टरनेट है, स्क्यू सिमेट्रिक फिर स्क्यू सिमेट्रिक फिर स्क्यू, ये पांच पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेवन में बोला है फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि निलपोटेंट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जिसकी जब आप पावर मालूम करते हो तो रिजल्ट आपके पास जीरो आ रहा होता है। अब अगर आपके पास पेपर में सवाल वैसे देंगे नहीं, बहुत ही फालतू सवाल होते हैं, बिल्कुल अगर पेपर में सवाल आ गया तो आपका सबसे पहले क्या काम होगा, आप सबसे पहले उसका स्क्वायर मालूम करोगे, उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मालूम करोगे। आप देखो क्या उसका स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो आगे मूव करोगे, क्या करोगे ए क्यूब मालूम करोगे। अच्छा ये ए स्क्वायर ए क्यूब मालूम किस तरह करना है, ये मल्टीप्लीकेशन का टॉपिक अभी पढ़ाऊंगा, उसमें आप लोग क्लियर हो जाएगा मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। तो बिल्कुल पार्ट नंबर वन हो, पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर थ्री, इसको ट्राई करना, बस जब मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लीकेशन किस तरह परफॉर्म करनी है तो ट्राई कर लेना। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है ना, तो आप ए स्क्वायर निकाल लें, ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से अगर मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करना, एंड पे जो आंसर आएगा वो ए स्क्वायर का आ जाएगा। अगर आपकी ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स नहीं आई तो फिर आपको आगे मूव करना है, क्या करोगे आप ए क्यूब निकालोगे, और ए क्यूब कैसे निकालोगे, जो ए स्क्वायर आया होगा ना उसको आप मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देना, जो ए स्क्वायर अगर निकाली होगी ना उसको आप ए से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, आपके पास ए क्यूब आ जाएगा। अगर ए क्यूब नल मैट्रिक्स ना आया तो फिर आप आगे मूव करोगे। ठीक है, और कंसीडर कर लो अगर यहाँ पे ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो अब आप क्या बोलोगे, निलपोटेंसी इंडेक्स क्या है यहाँ पे, टू है, जो इसकी पावर होगी यहाँ पे वो निलपोटेंसी इंडेक्स होगा। इसी तरह बिलफर्ज इस वाले केस में नल मैट्रिक्स नहीं आया, इस वाले केस में नल मैट्रिक्स आ गया, तो अब इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, थ्री के बराबर हो जाएगा। सही है, तो इसको जरा ट्राई करना, जब मैं आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन पढ़ा दूंगा तब आप लोग इसको ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर एट में लिखा हुआ है फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। अगेन मैंने पीरियोडिक में आप लोगों को क्या बताया था, किसी को याद है वैसे कंडीशन पीरियोडिक मैट्रिक्स की क्या थी? K+1 K+1 इक्वल्स टू जिसके जब आप पावर करो और रिजल्ट में वही मैट्रिक्स आ रही है। जैसे कंसीडर कर लो आपने ए स्क्वायर मालूम किया, रिजल्ट में ए मैट्रिक्स आ गई, तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। इसी तरह कोई और मैट्रिक्स थी जिसमें स्क्वायर लेते हुए तो ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया, क्यूब लेते हुए कंसीडर कर लो वो ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो अगेन आप इसको बोलोगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस सवाल में आपको उन्होंने बताया है कि पीरियोडिक है, तो इसमें कुछ चेक नहीं कर रहे आप, जरूरी थोड़ी ना कि हर मैट्रिक्स पीरियोडिक हो, ये नो आप स्क्वायर क्यूब निकालते रहो कुछ ए के बराबर ही नहीं आ रहा, लेकिन इस सवाल में उन्होंने बोला कि पीरियोडिक मैट्रिक्स है, आपको क्या करना है, आपको उसका पीरियड निकालना है। अब पीरियड कैसे निकालोगे, वही काम करोगे आप यहाँ पे, सबसे पहले ए स्क्वायर मालूम करोगे, कंसिडर कर लो आपने ए स्क्वायर मालूम किया और वो ए के बराबर नहीं आया, तो अब आप क्या करोगे, अब आप ए क्यूब मालूम करोगे, कंसीडर कर लो ए क्यूब ए के बराबर आ रहा है, तो ये तो पहली बात तो प्रूफ होगी पीरियोडिक है, जो कि प्रूफ करने ही नहीं थी ऑलरेडी सवाल में गिवन था। पीरियड निकालना था, पीरियड क्या होगा, अगर ये थ्री है तो पीरियड क्या हो जाएगा, टू, कल बताया था।
कंसीडर कर लो, अगर आपने स्क्वायर किया और रिजल्ट ए के बराबर आ रहा है तो अब पीरियड क्या हो जाएगा, वन के बराबर। ठीक है, तो वही काम करना है जो इससे पहले वाले सवाल में करना था, बस थोड़ा आंसर में थोड़ा आपने बस चेंजिंग करनी है, बाकी उसी किस्म का सवाल है। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लीकेशन आप लोग पढ़ोगे तब अच्छी क्लियर हो जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ, अभी सब मैट्रिक्स की ना कंडीशन चेक करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं, और सब में क्या करना होता है, स्क्वायर कर रहे हो तो किसी में ये काम कर रहे हो, तो नाम में लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती थी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जब आप स्क्वायर करो तो रिजल्ट ए के बराबर है, ये जो मैट्रिक्स है इसको प्रायोरिटी भी बोलोगे, लेकिन साथ साथ आप इसको आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स भी कह सकते हो। तो पार्ट वन में आप क्या करना, ए स्क्वायर मालूम करना, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आ रहा है तो आप बोल दो कि पार्ट वन आइडम्पोटेंट, और अगर ए स्क्वायर ए के बराबर नहीं आना तो वो आइडम्पोटेंट नहीं है, इनवॉल्यूटरी हो सकती है। इनवॉल्यूटरी की कंडीशन क्या थी, ये तो सिंपल आप ए स्क्वायर निकाल लेना दोनों केसेस में। पार्ट नंबर वन में जब आप ए स्क्वायर निकालोगे रिजल्ट अगर आइडेंटिटी आया तो इसका मतलब इनवॉल्यूटरी है, अगर रिजल्ट में ए आया इसका मतलब आइडम्पोटेंट है। तो पार्ट वन पार्ट टू दोनों में आपने ये काम किया, सही है बच्चों। अच्छा जी, कुछ अगेन वही कंडीशन चेक करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशियन और स्क्वायर मिशन मैट्रिक्स और नाइदर, नाइदर भी हो सकता है ना। तो देखो जो पार्ट नंबर वन है, पार्ट नंबर टू है, पार्ट नंबर थ्री है, किसी में भी डायगोनल सब जीरो जीरो नहीं है, तो समझ जाओ स्क्यू हर्मिशियन तो हो ही नहीं सकती, वो वाला ऑप्शन तो आप निकाल दो। अब क्या हो सकता है, हाँ अब जरा चेक करते हैं हर्मिशियनों में भी, जैसे पार्ट नंबर वन में देखो डायगोनल एलिमेंट्स रियल होने चाहिए हर्मिशियन के अंदर, तो पार्ट नंबर वन में रियल है, सही है, और अगर आप कंडीशन देखो तो वो कॉन्जुगेट है, वन माइनस टू आयोटा वन प्लस टू आयोटा सब कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब पार्ट वन में हर्मिशियन है। पार्ट नंबर टू जो है वो नाइदर है, क्यों ना इधर है, पहली बात वो तो हर्मिशियन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, दूसरी बात डायगनल वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, कि डायगनल जो है वो इसके कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है, तो इसका मतलब हर्मिशियन हो नहीं सकती, हर्मिशियन में डायगनल रियल होता है सारे। ठीक है स्टूडेंट, का माइक्रोफोन ऑन है, आप क्या कुछ कहना चाह रही हो आप। अच्छा पार्ट नंबर थ्री में लिखा हुआ है कौन जो हर्मिशियन होगी, क्यों, डायगनल एलिमेंट रियल है और बाकी जो है वो कॉन्जुगेट है, माइनस आयोटा आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा नहीं कॉन्जुगेट नहीं है, ये पार्ट नंबर थ्री भी ना इधर है, स्क्यू तो हो ही नहीं सकती ना, और हर्मिशियन भी नहीं है क्योंकि हर्मिशियन में कॉन्जुगेट वाली कंडीशन होती है ना, तो कॉन्जुगेट नहीं है इसके अंदर, तो इसका आंसर होना चाहिए हर्मिशियन नाइदर नाइदर। तो देखते हैं इसमें मिस्टेक तो नहीं हुई इन्होंने, टेन में हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन और नाइदर, ये मिस्टेक है इनको जरा ठीक कर लेना, पार्ट नंबर टू को उन्होंने स्क्यू हर्मिशन बोल दिया जबकि पार्ट नंबर टू स्क्यू हर्मिशन हो नहीं सकती, स्क्यू हर्मिशन में जीरो 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 आ रहा होता है, तो सेंस ही नहीं बना रही कि ये वो होगी। हाँ दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि आयोटा आयोटा आ रहा है, वो सब सेम है, लेकिन स्क्यू हर्मिशन वाली कंडीशन नहीं, जीरो जीरो होना चाहिए, ये तो उन्होंने स्ट्रेट अवे सवाल में लिखा हुआ था। हाँ ये अगर आप देखो ना पेज नंबर 33 में कि जो इन स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल और ऑलवेज जीरो, ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक था, लेकिन आगे जो लिखा होता ना कॉन्जुगेट टू इजर, ये गलत लिखा होता, मैंने बताया था कॉन्जुगेट नहीं होते, बस वो रियल का साइन चेंज करना होता, जरा इसको ठीक कर लेना। और 11 में लिखा हुआ फाइंड रियल नंबर एक्स बाय जेड सच दैट मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, आपको कुछ ऐसा करना है कि 11 में जो मैट्रिक्स है ना उसको क्या बनाना है, हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाना है, कुछ ऐसी एक्स बाय जेड की वैल्यू पुट करके उसको हर्मिशियन बनाना है, तो ये कोई तो मुश्किल सवाल नहीं है, एमसीक्यू टाइप का ही है, मैं यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ, बस आप लोग से पूछूंगा, जरा सोच लो पहले से कि एक्स वाई जेड को क्या पुट करें कि हर्मिशियन बन जाए, यार असल में मसला ये है कि मेरे जो गले में ना खराश आई है, काफी दर्द मुझे काफी हो रहा है बोलते हुए, तो जितनी हिम्मत होगी मैं पढ़ा दूंगा, शायद मैं पूरी क्लास में ना ले पाऊँ, तो इसका थोड़ा आप लोग ध्यान रखना ना, लेकिन जितना उस समय असल में छुट्टी इसलिए नहीं चाह रहा है, उनके टाइम कम है, 5 महीने मैं नहीं चाह रहा एंड पे आप लोगों में बर्डन पड़े, मैंने एंड पे एक्स्ट्रा क्लासेस लेके खत्म हो तो सकता है, खत्म करवाना मसला नहीं है, बर्डन काफी पड़ता है बच्चों पे, तो इसलिए ये करने का मकसद यही है कि ये ना हो कि आप लोग अपना काम पेंडिंग पे रखा हुआ, तो जो मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ अपने वो फायदा ना हो, तो ये भी करवाने का मकसद है कि साथ साथ करते जाओ, कुछ पेंडिंग पे ना रहना। अच्छा भाई अगर आपने इसको हर्मिशियन बनाना है तो कोई स्टूडेंट मशवरा दे सकते हैं, एक्स की बात करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, एक्सेलेंट भाई, एक्स की जगह थ्री रखते हैं हम, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हर्मिशियन में कॉन्जुगेट वाला रिलेशन होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा,
उसका कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए, 3 + 2 iota। तो +2 iota तो है, लेकिन x की जगह पे क्या होना चाहिए, x की जगह पे यहाँ पे 3 होना चाहिए। सही है। अब जरा इसकी बताओ मुझे। हाँ -1 ना, वाई की वैल्यू करनी है, वाई की वैल्यू तो एक ही होगी ना दोनों जगह, वाई की वैल्यू अलग अलग थोड़ा रखोगे। नहीं, एक ही ऐसा नंबर है जो इस बात को सेटिस्फाई करेगा, वरना बाकी नंबर की हिम्मत नहीं इसको सेटिस्फाई करना। 0। जीरो है भाई, सबसे इजियल क्या, इसको जीरो करना, क्यों मसले हल हो जाएगा, क्योंकि जीरो जो है ना वो हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। जैसे लिखा हुआ है 0 iota, मतलब सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो बात सही है बिल्कुल। आप इसको इस तरह लिख सकते हो ना, 0 + 0 iota, और इसको लिख सकते हो 0 - 0 iota, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कॉन्जुगेट है। यहाँ पे 0 0 भी आ जाए, अभी भी हरमिशियन ही रहेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि और कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इधर भी वाई इधर भी वाई, हालांकि आंसर में क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर इधर मैं 2 रखूंगा तो इधर -2 कैसे रख सकता हूँ, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं 0 के अलावा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई की जगह पे हम 0 रख देंगे, वाई की वैल्यू मिल गई। अब इधर देखो, 1 + z iota 1 - x iota, क्या करें, एक्स तो निकाला हुआ है ना, जेड निकालना है, कैसे निकालें जेड, 3 z भी 3 होगा। एक्सीलेंट, 3 होगा बिल्कुल। क्यों, देखो यहाँ पे एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, ये तो एक्स है ना, आपको वैल्यू पता है, यहाँ पे 3 होगा, तो ये क्या है, 1 - 3 iota, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 + 3 iota, तो 1 + 3 iota, इसका मतलब जेड की जगह भी आप क्या लिखोगे, 3। तो एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 0 है, जेड की वैल्यू 3 है, अगर आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज रखोगे तो आपकी मैट्रिक्स जो है ये क्या कहलाई जाएगी, हर्मिशियन।